नहीं, यहाँ पे कस्टम बीड कैसे बनाते हैं। ओके, तो कस्टम बीड बनाने के लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको डैशबोर्ड्स में जाना है। डैशबोर्ड में आपको कस्टम बीड, आजकल आपको पता ही है कस्टम बीड एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको मस्ट सीखना चाहिए और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जब तक पता है। जब तक पता कम है तब तक इसकी डिमांड बहुत ज्यादा। टेंडर भरने का तो तरीका मैंने आपको बताया कस्टम बीड एंड सर्विसेज का। अभी कस्टम बीड बनाते कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बायर्स को इसके बारे में पता नहीं, तो पता नहीं है तो वो बना नहीं सकते। तो बनाने का प्रोसेस, यदि आप बना सकते हो और आप बायर्स को हेल्प कर सकते हैं तो आपका भी इसमें काम हो सकता है। आप एज ए सेटिंग की तरह पे आपके खुद का बीड निकाल के खुद भी ये टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनीवे, वो आप इंटरनल सेटिंग करके आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बनाते कैसे। तो देखो यहाँ पे बीड में, नॉर्मल बीड में हम लोगों ने देखा मार्केट में जाके सर्च कर देते थे नॉर्मल बीड बन जाते, पर कस्टम के लिए ऐसा नहीं। कस्टम के लिए आपको कैटलॉग खुद बनाना पड़ता है, खुद क्रिएट करना पड़ता है खुद। तो कैसे करेंगे, डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे सब चीज दिखता है आपको। इस तरीके नया बनाना है तो आपको इसी तरीके का नया बनाना पड़ेगा। आप एक साथ मल्टीपल दो चार पांच भी कस्टम बीड बना सकते हो। सिंगल बनाना है, सिंगल सिंगल बनाना है तो यहाँ पे, मल्टीपल बनाना है तो बल्क। सिंगल बना के दिखाता हूँ, क्रिएट मैनुअल किस चीज के रिगार्डिंग। अभी यहाँ पे जो आपको बीड बनाना है किस चीज का बनाना है, तो मैं एक जनरल उठा लेता हूँ यहाँ से और उसके ऊपर ही बनाता हूँ कि आपको समझ में आए जो बीड किस तरीके से होगा। बीड में जा रहे हैं, ऑनगोइंग बीड्स, यहाँ पे आते हैं कस्टम। देखो तो यहाँ पे एक बीड है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ गारमेंट्स, इसका एक बीड है। तो मैं ऐसा ही बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ऐसा आपको मान लो आइटम कैटेगरी है, ये आइटम कैटेगरी नहीं है और आपको इसका कस्टम बनाना है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आपको सेम ये नाम रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्डर आपके पास है कैटेगरी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पर आपको ये चूज नहीं करना। आपको क्या चूज करना है, डिड नॉट फाइंड दिस कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर, ये वाला कैटेगरी आपको चूज करना है। ओके, इसको यस कर दीजिए, सर्टिफाई, ये आपका। इसको करना है जनरेट रिपोर्ट, यस, सेव कर देने का। यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा पूरा डिटेल्स, यहाँ बैक टू इंडेक्स। देखो यहाँ पे आपको ऐसा एक रिपोर्ट मिल जाएगा, ये आपको देखो एक आ गया है ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे व्यू शो रिपोर्ट, जो हम लोगों ने रिपोर्ट देखा इसको डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट को, या फिर आपको यहाँ पे यदि बनाना है तो यहाँ पे आपको क्रिएट कस्टम कैटलॉग पे जाना, क्रिएट कस्टम कैटलॉग। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया, पहला यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट कस्टम कैटलॉग या यूज एग्जिस्टिंग। यदि आपका कैटलॉग अप्रूव हो गया, यहाँ पर भी अप्रूव करवाना होता है, अप्रूव हो गया है तो यूज करेंगे। यदि आपको बनाना है, पहले हमने बनाया ही नहीं है तो मुझे बनाना है तो मैं क्रिएट करूँ, क्रिएट कस्टम। इसको अप्रूवल होने में जनरली मिनिमम 4 आवर्स से लेके 8 से 10 घंटा तक भी अप्रूवल के लिए यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी अप्रूव कराना। तो टाइटल यही वाला डाल देते हैं गारमेंट्स का। यहाँ पे हम लोग अभी बना रहे हैं, कैटलॉग बनाना पड़ रहा है बायर को क्योंकि ये मार्केट में नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे टाइप करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से करता हूँ क्रिएट। करने के लिए नहीं दे रहा है, क्वांटिटी उसका यूनिट आपको चूज करना है, किसमें चाहिए, सेलिंग यूनिट क्वांटिटी में चाहिए, तो ये किसमें चाहिए, नंबर्स में चाहिए, किसमें चाहिए, बॉटल्स में चाहिए, यहाँ पे सबका यूनिट दिया हुआ है, किसमें चाहिए वो आप डाल सकते, पीस में चाहिए मुझे तो पीस। HSN कोड वगैरह है तो डाल सकते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन। अभी ये टेंडर में देखेंगे तो इस टेंडर का स्पेसिफिकेशन होता है हर एक टेंडर का जो कस्टम बिड बनता है, तो ऐसा आपको स्पेसिफिकेशन बनाना है और वही अपलोड करना। देखो दिखाता हूँ मैं इसका स्पेसिफिकेशन, ये देखिए बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट।
इस तरीके से रहे, ड्रॉइंग्स वगैरह एडिशनल और कुछ अपलोड करना है तो भी आप कर सकते इस तरीके से। देखिए ये ऐसा है, क्या क्या चाहिए, किस तरीके का रहेगा, ये पूरा एनेक्सर वो लोग ऐड करके देते हैं। ऐसा आपको कुछ चाहिए तो आप ऐसा यहाँ पे ऐड कर सकते, वही स्पेसिफिकेशन इधर अपलोड कर दी। मैंने अपलोड कर दिया, इसके तीन इमेजेस अपलोड कर, जैसा दिखता कैसा। पहले भी हम लोगों ने इमेज अपलोड किया था, मैं यहाँ पे तीन इमेज अपलोड कर देता हूँ और इसको क्या करेंगे सेव कर दें। रेफरेंस प्राइस, इसका नॉर्मल प्राइस कितना होता है वो आपको प्राइस आपको डाल देना, 7000 का नॉर्मल हमारा प्राइस, इसके अकॉर्डिंगली आपका एस्टिमेट कैलकुलेट होगा। इससे प्राइस से मेन प्राइस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एस्टिमेट के लिए कि आपका कैटलॉग सेव हो गया, ये हम लोगों ने बना दिया। पब्लिश करना चाहते हैं, जर्मनी बोल रहा है कि 15 मिनट का लेता, कभी कभी ये एक मिनट में भी पब्लिश हो जाता और कभी कभी बहुत टाइम लेता है, चार चार घंटे या आठ आठ सात सात घंटे भी, डिपेंड करता है। योर विल बी पब्लिश्ड इन सम टाइम, बोल रहा है कि जल्दी ये पब्लिश हो जाए। तो मुझे कैसे पता चलेगा, पब्लिश कैटलॉग यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे देखो ये पब्लिश हो चुका, यही वाला था ना अभी मेरा 7000, हो गया तुरंत, हो गया अभी पब्लिश तुरंत हो गया। तो आप डायरेक्टली टेंडर बना सकते, तो टेंडर बनाने के लिए एक तो यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हो, अदरवाइज क्या करना है आपको, फिर से डैशबोर्ड में जाना है, गेम एबिलिटी रिपोर्ट, और ये वाला है, इसको आप यहाँ पे क्रिएट कस्टम पे जाओ। अभी क्या करना है, यूज कर, है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया तो यूज कर, यूज क्रिएटेड कैटलॉग, ये आ गया 7000 का, इसको करो ऐड टू कार्ट, कितना क्वांटिटी चाहिए, 10 चाहिए, 10 ऐड टू कार्ट, कार्ट में ऐड हो गया, प्रोसीड टू चेक आउट। ये देखो डायरेक्टली बिड बनना, चलो फिर आगे में जैसे कि हम लोग बिड बनाते हैं सेम टू सेम वैसा ही बिड बनाते चलेंगे, यही प्रोसेस है कस्टम का, ठीक है, ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, आगे बीट का जैसा रहेगा वैसे, ठीक है। अभी एक एक क्वेरी लेता हूं मैं,